भाई और बहनों नमस्कार जोहार। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि झारखंड राज्य में बीएससी इन फिश एंड फिशरीज की पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई है। यह वोकेशनल कोर्स या व्यवसायिक पाठ्यक्रम रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग में शुरू किया गया है। इस पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या जिसे संक्षेप में UGC बोलते हैं के द्वारा अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। यह कोर्स 3 वर्षों का होगा और इसके प्रथम बैच के लिए एडमिशन भी प्रारंभ हो चुका है। प्रथम बैच में 30 छात्र छात्राएं रहेंगे। जो बच्चे 12th या 12वीं में बायोलॉजी के साथ कम से कम 55% अंक लाए हैं वे इसके एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन का फॉर्म यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुझे जानकारी मिली है कि अभी भी 10 सीट रिक्त है जिसके लिए आवेदन किया जा सकता है। इस कोर्स में मछली पालन से संबंधित लगभग सभी विषय जैसे मछलियों की पहचान, उनका पालन, तालाब का निर्माण, मछलियों का प्रजनन, बीज उत्पादन, मछलियों की शिकार माही, मछलियों का प्रसंस्करण, जलाशयों का प्रबंधन, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, RAS टेक्नोलॉजी इत्यादि विषयों की शिक्षा दी जाएगी। इस कोर्स के बाद जहाँ जहाँ इस कोर्स को मान्यता प्राप्त है वहाँ नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है अथवा इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसके आधार पर स्वयं का व्यापार भी किया जा सकता है जिसके लिए बहुत सारी योजनाओं में अनुदान की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बहुत सी फीड बनाने वाली कंपनियाँ हैं या जो मछली का दवा बनाती हैं या जो बड़े बड़े फार्म हैं देश में और विदेश में उसमें भी तकनीकी जानकार लोगों की आवश्यकता होती है। वहाँ भी नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस कोर्स के शुरू होने से झारखंड में फिशरीज में पारंगत तकनीकी विशेषज्ञों या टेक्निकल पर्सन्स की संख्या में वृद्धि होगी जिसका राज्य को बहुत अधिक आवश्यकता है क्योंकि राज्य सरकार के प्रयास से और केंद्र सरकार के प्रयास से झारखंड में कई नए लोग जो कि पहले विभिन्न अन्य क्षेत्रों में काम करते थे वो मछली पालन में आ गए हैं जिनको कि लगातार मार्गदर्शन या गाइडेंस की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जब टेक्निकल लोगों की संख्या बढ़ेगी तो उन लोगों को भी फायदा होगा और राज्य में मानव संसाधन के विकास का सीधा असर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने और आय सृजन में होगा जिससे सबों को लाभ होगा। इस कोर्स को प्रारंभ करने में प्राणीशास्त्र विभाग जो डॉक्टर SP मुखर्जी यूनिवर्सिटी का जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके विभागाध्यक्ष और अन्य प्राध्यापकों का बहुत अधिक प्रयास किया गया है जिसका परिणाम है कि रांची में यह कोर्स प्रारंभ हुआ। तो इसके लिए जो भी इच्छुक हैं वो इसके लिए आवेदन करें जिससे कि राज्य में फिशरीज के तकनीकी जानकार लोगों की संख्या में वृद्धि हो। इसके संबंध में और भी कोई जानकारी आपको लेना है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखेंगे, मैं प्रयास करूंगा उनका उत्तर देने का। और भाइयों और बहनों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा देंगे जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का लगातार स्नेह मुझे मिल रहा है। पुनः एक बार नमस्कार जोहार।